दोस्तों ये रही हमारी टी वी एस आईकूप 2.2 KWH 09 वेरिएंट जो कि 2024 में लॉन्च हुआ था। तो इसकी देखो अभी मैंने सेंटर स्टैंड पे एक स्कूटर खड़ी करी है, तो इस पर मैं ये करने वाला हूँ इसका मतलब देखो स्टैंडिंग पे ही स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। तो रिवर्स मोड पे भी करूँगा, पावर मोड पे और इको मोड पे। तो देखा दोस्तों अभी चाय भी तो लगी हुई है और यहाँ पर दिखा रहा है कि पावर मोड पर अभी है। तो देखिए दोस्तों मैं अभी फुल एक्सलेटर करता हूँ इसका, तो फुल एक्सलेटर पे 83 तक स्पीड जाती है, 83 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको इको में सेट कर लेता हूँ मोड बटन प्रेस करके। तो इको में सेट कर ली है, तो इको में स्पीड 47 की स्पीड चली गई है इको में। और दोस्तों अभी इसके इसमें लगा देता हूँ मैं रिवर्स पे। तो दोस्तों रिवर्स पे लग नहीं रही है क्योंकि शायद से मतलब इसमें बैठना पड़ेगा हमें। बैठने के बाद हाँ देखो ब्रेक प्रेस करके ए वाला बटन प्रेस करना पड़ता है, पार्क पी वाला पार्किंग असिस्ट वाला ए वाला। तो इसके बाद ना ये वाला स्विच मोड स्विच हो जाता है। तो अभी देखो अभी फॉरवर्ड मोड पे, तो एक्सलेटर पकड़ लिया मैंने पावर मोड पे, तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चली जाती है। अभी मैं इसको रिवर्स में डाल दूँगा, तो देखिए रिवर्स में चली गई और पिप पिप का आवाज़ भी आ रहा होगा आपको रिवर्स में लगने के बाद, बीप का। सिर्फ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी रिवर्स वाली, तो सही है उतनी स्पीड भी। चलो मैं अभी इसमें हटाता हूँ और ये देखो लॉक ही हो गया, मैं बटन प्रेस करके इसको छोड़ दिया तो लॉक ही हो गया। तो मैं दोबारा से मोड बटन प्रेस करता हूँ और इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उससे देख लीजिए आपने कि स्टैंडिंग पे कितना स्पीड इसका मतलब अचीव कर सकते हैं हम लोग। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे स्टैंडिंग पे भगाना क्योंकि मोटर ज़्यादा गर्म हो सकती है एक जगह पे, उसको हवा नहीं लगती ना इसके कारण। अगर मूविंग हो, अगर रोड पे हो तो उसमें हवा लगने के कारण एयर कूल भी हो सकती है मोटर, इसलिए स्टैंडिंग पे कभी ऐसा ट्राई मत करो। तो दोस्तों आपको ये वाला शॉर्ट वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।